दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन वेबस्टर का पांच एक्ट का एक प्ले द डचेस ऑफ माल्फी, जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ डचेस ऑफ माल्फी। दोस्तों इसे 1612-13 में लिखा गया लंदन इंग्लैंड में और 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया। इस वक्त इंग्लैंड में जैकोबियन इरा चल रहा था। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है इटली, रोम और मिलान में। दोस्तों ये प्ले बेस्ड है एक रियल डचेस, इटली की रियल डचेस जियोवाना डी एरागोना की कहानी पर। अब हम लोग इस प्ले के प्लॉट पर नजर डालते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रोमन कैथोलिक इटली में डचेस ऑफ माल्फी के महल से। दोस्तों जो इस कहानी की हीरोइन है डचेस ऑफ माल्फी, ये बहुत ही कम उम्र में विडो हो गई, यानी कि विधवा हो गई, और ये अपने इटालियन टाउन अमाल्फी पर रूल करती है। अब इस डचेस का एक खजांची है, खजांची का मतलब जो पैसा वैसा संभालता है, एंटोनियो। वो अभी अभी फ्रांस से लौटा है वापस अपने डचेस ऑफ माल्फी के महल में। अब दोस्तों इस डचेस के दो भाई हैं, पहला कार्डिनल, दूसरा फर्डिनेंड। अब इन दोनों भाइयों की एंट्री होती है। अब ये एंटोनियो जो है ये अपने दोस्त, इसका एक दोस्त है डेलियो, तो इससे ये डिस्कस करता है डचेस के भाइयों के बारे में कि डचेस के ये दोनों भाई कितने हॉरिबल हैं और डचेस को देखो कितनी नोबल, टेम्परेट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है। यहां तक कि डचेस तो अभी भी जवान है, लेकिन इसके दोनों भाई नहीं चाहते कि इसकी फिर से शादी हो। ये दोनों भाई इसके इसको विडो ही रखना चाहते हैं, विधवा ही रखना चाहते हैं। और ये क्यों नहीं चाहते कि डचेस की फिर से शादी हो, इसका कारण, इसके दो तीन कारण है। उसमें से एक कारण इस डचेस का फॉर्च्यून, यानी कि इसका पैसा है, कि अगर मान लो डचेस शादी नहीं करती तो इसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इसके पैसे का कोई वारिस नहीं होगा और ये पैसा इसके दोनों भाइयों को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये कार्डिनल जो है, डचेस का भाई कार्डिनल, इसका एक सर्वेंट है बसोला, जो कि एक मर्डर के सिलसिले में अंदर था और अब ये अपनी पनिशमेंट पूरी करके वापस बाहर आया है। तो ये जो फर्डिनेंड है, डचेस का दूसरा भाई फर्डिनेंड, ये बसोला को अपना जासूस बनाकर डचेस के पीछे लगा देता है कि तू मेरी बहन का ध्यान रखेगा, ये किसी से शादी नहीं करे। लेकिन बसोला फर्डिनेंड का जासूस नहीं बनना चाहता, वो ये जासूसी भरा काम नहीं करना चाहता। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि ये सब करना उसकी ड्यूटी है, उसको अपने ड्यूक का हुक्म मानना ही होगा। अब दोस्तों ये दोनों भाई फिर से अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम शादी नहीं करोगी। डचेस अपने भाइयों की बात मान जाती है, इतना कह करके उसके भाई वहां से चले जाते हैं। अब जब वो यहां से चले जाते हैं इसके दोनों भाई, तो डचेस अपनी मेड सर्वेंट कैरियोला से कहती है कि वो सीक्रेटली शादी करेगी और किसी से नहीं, अपने खजांची यानी कि एंटोनियो से। ये डचेस सीक्रेटली एंटोनियो को वू कर लेती है, वू का मतलब पटा लेती है, और ये दोनों एंटोनियो और डचेस सीक्रेटली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों सीक्रेटली इन दोनों की शादी भी हो गई है, तो 9 महीनों बाद डचेस एंटोनियो के बच्चे की मां बनने वाली होती है। बसोला अभी भी फर्डिनेंड के लिए जासूसी कर रहा है, उसको शक है कि डचेस प्रेग्नेंट है और वो ये चीज टेस्ट करने के लिए डचेस को एक एप्रिकॉट नाम का फल देता है। एक एप्रिकॉट नाम का एक फ्रूट आता है, वो इसको देता है। दोस्तों ये एक टाइप का फ्रूट है, एक फल है, जो ये साबित कर देगा कि डचेस प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, तो डचेस वो फल खा लेती है। अब ये फल खाने के बाद में डचेस को प्रॉब्लम हो जाती है और पूरे महल में हल्ला मच जाता है कि डचेस को कुछ हो गया, डचेस को कुछ हो गया। लेकिन एंटोनियो और डचेस ये सब बात को संभाल लेते हैं और सबको बोल देते हैं कि डचेस को कोई बीमारी हो गई है, वो बीमार है। अब दोस्तों ये एंटोनियो बसोला से पूछता है कि तुमने उस फल में कोई जहर थोड़ी मिलाया था, तो बसोला मना कर देता है कि क्या बोल रहे हो, मैं अपनी डचेस को जहर दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात होती है एंटोनियो और बसोला के बीच में, एंटोनियो वहां से चला जाता है। लेकिन बसोला ये नोटिस करता है कि एंटोनियो का कोई कागज गिर गया है। अब दोस्तों ये कागज जो एंटोनियो का गिरा है, ये एंटोनियो के बच्चे का हॉरोस्कोप था। अब दोस्तों बसोला को पहले तो शक ही था, लेकिन अब पक्का प्रूफ मिल गया है कि डचेस ने बच्चे को जन्म दिया है और ये उसी बच्चे का हॉरोस्कोप है।
अब ये बसोला फैसला करता है कि ये पेपर, ये हॉरोस्कोप, ये डचेस के भाइयों को रोम भेजेगा, ताकि उन दोनों को भी तो पता चले कि उनकी बहन यहां पे क्या गुल खिला रही है। अब जब डचेस के दोनों भाइयों को पता चला कि उनकी बहन ने उनसे उन्हें डिसओबे किया है, तो उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया कि उनका रॉयल ब्लड जो है, शाही खून, वो गंदा हो गया। फिर उन दोनों ने सोचा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले इस बच्चे के बाप को ढूंढा जाए कि किसने हिम्मत की हमारी बहन को हाथ लगाने की। अब दोस्तों, कुछ समय बाद, या कह लो कुछ सालों के बाद, डचेस ने एंटोनियो के दो और बच्चों को जन्म दिया। अब दोस्तों, ये डचेस का भाई फर्डिनेंड ये डिसाइड करता है कि ये डचेस के बेडरूम में जाएगा। फर्डिनेंड छुप करके डचेस के रूम में जाता है और उसे डरा देता है। वो उसे एक नाइफ देता है, नाइफ मतलब चाकू देता है डचेस को। फर्डिनेंड डचेस को एक चाकू देता है और उसे कहता है कि ये चाकू से अपने आप को मार लो। फिर वो उसे बता देती है कि वो अब शादीशुदा है। तो ये सुनकर फर्डिनेंड गुस्सा हो जाता है और डचेस को कहता है कि तुमने हमारे खानदान की रेपुटेशन बिगाड़ दी, खुद की भी रेपुटेशन बिगाड़ दी और खानदान की भी। और कसम खाता है कि वो अपनी बहन की सूरत, बहन की शक्ल जिंदगी में नहीं देखेगा। अब दोस्तों, ये एंटोनियो और डचेस, ये दोनों एक साथ भाग जाने का प्लान बनाते हैं। ये डचेस क्या करती है, एंटोनियो पर इल्जाम लगाती है, उसे काम से निकाल देती है ताकि एंटोनियो कहीं दूर चला जाए। लेकिन ये चालाक बसोला ये एंटोनियो को वहां पर डिफेंड करता है। डचेस को लगता है कि बसोला अच्छा आदमी है, तभी तो ये एंटोनियो को डिफेंड कर रहा है, इसको मेरी और एंटोनियो की सच्चाई बता देनी चाहिए। तो डचेस बसोला पर ट्रस्ट करके उसे अपनी और एंटोनियो की सच्चाई बता देती है कि एंटोनियो जो है वो उसका हस्बैंड है और वो एंटोनियो को उसकी भलाई के लिए ही उस पर झूठा इल्जाम लगाकर अमाल्फी से दूर भेज रही है और बाद में वो भी उसी के पास चली जाएगी। अब दोस्तों, ये बसोला क्या करता है, रोम में डचेस के दोनों भाइयों को डचेस के प्लान के बारे में बता देता है कि आपकी बहन तो भागने का प्लान बना रही है। तो ये फर्डिनेंड क्या करता है, एंटोनियो को अपने पास बुलाता है प्यार से, लेकिन एंटोनियो समझ जाता है कि ये जाल है उसे फांसने के लिए। एंटोनियो फर्डिनेंड के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की बजाय अपने बड़े बेटे को लेकर के मिलान भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद ये बसोला क्या करता है, डचेस और उसके बाकी दो बच्चों को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि डचेस के दोनों भाइयों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। डचेस के भाई इतने क्रूर हैं, उसे जेल में फेंकवा दिया, अमाल्फी के किले में। अब फर्डिनेंड ने तो कसम खाई थी कि वो अपने बहन का चेहरा कभी नहीं देखेगा, याद ना। तो वो क्या करता है, अंधेरे में जेल में अपनी बहन के पास जाता है और वहां जाकर के उसे डराता है और उसे कहता है कि एंटोनियो मर चुका है, तुम्हारा पति एंटोनियो मर चुका है और तुम्हारा बच्चा भी मर चुका है। तो डचेस ये सुनकर के खुद भी मर जाना चाहती है। अब इतने से ही इस फर्डिनेंड का पेट नहीं भरता, ये क्या करता है, डचेस के आसपास पागलों को छोड़ देता है ताकि पागल हल्ला मचाएं और डचेस ज्यादा टॉर्चर हो। अब दोस्तों, इस बसोला को बुरा लगता है कि ये इस गलत काम में फर्डिनेंड का साथ दे रहा है। अब दोस्तों, ये जेल में बसोला जो है, ये अपना हुलिया बदलकर डचेस के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन डचेस उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। और यहां पे कुछ मर्डरर्स आकर के डचेस और उसके दोनों बच्चों को उसकी मेड जो है ये कैरियोला, इसके साथ में मार देते हैं। दोस्तों, फर्डिनेंड इतना गंदा है, इतना बुरा है कि इसने बच्चों पर भी दया नहीं दिखाई, लेकिन उसने जब अपनी बहन की मरने के बाद उसकी डेड बॉडी देखी तो वो पागल हो गया गिल्ट के मारे। इस बसोला को भी बुरा लग रहा था कि उसने फर्डिनेंड का साथ देने के चक्कर में ये क्या कर दिया। अब ये फर्डिनेंड बसोला को ब्लेम करने लगा कि उसने उसके ऑर्डर माने, क्यों माने, मैं तो पागल हो गया था, तूने मेरे ऑर्डर क्यों माने। और ये फर्डिनेंड ने इसी पागलपन में इस बसोला को उसके काम के पैसे देने के लिए मना कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन डचेस में अभी भी जान बाकी थी थोड़ी सी, और उसके डचेस के मरने से पहले बसोला ने उसे बताया कि उसका हस्बैंड एंटोनियो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो दोस्तों, अब डचेस को कम से कम चैन से मौत आएगी। अब दोस्तों, मिलान में एंटोनियो को अभी भी अपनी वाइफ की डेथ के बारे में नहीं पता।
वो सोचता है कि वो कार्डिनल के पास जाकर के, डचेस के भाई के पास जाकर के सब कुछ ठीक कर देगा। अब दोस्तों फर्डिनेंड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो पागल हो गया, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, गिल्ट में पागल हो गया अपनी बहन के। वहां ये कार्डिनल चाहता था कि इसका भी इसकी बहन के मर्डर में हाथ है, तो ये बात सीक्रेट ही रहे, ये किसी के सामने नहीं आई ये बात। और ये कार्डिनल क्या करता है, ये बसोला को कहता है कि तुम एंटोनियो को भी मार दो। अब दोस्तों एक वुमेन है जूलिया नाम की, जिसके साथ ये कार्डिनल का अफेयर है, और ये वुमेन बसोला को देखने के साथ ही इसके साथ प्रेम में पड़ जाती है। बसोला जूलिया से कहता है कि तुम कार्डिनल से ये कन्फेस करवाओ कि उसका भी इस मर्डर में हाथ था, और मेरे काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए। अब जूलिया कार्डिनल के पास उसे कन्फेस करवाने जाती है, लेकिन कार्डिनल चालाक आदमी ये जूलिया को जहर वाली किताब से किस करवा के उसको मार देता है। अब दोस्तों ये बसोला ये कार्डिनल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है अचानक, लेकिन यहां पर बसोला ट्रिक कर रहा है। ये बसोला फैसला कर लेता है कि ये एंटोनियो को बचाएगा और डचेस के भाइयों से बदला लेगा। अब दोस्तों इस प्ले की एंडिंग आ गई है, और इस प्ले की एंडिंग है कार्डिनल के महल में। कार्डिनल अपने सारे आदमियों को बोल देता है, सारे दरबारियों को बोल देता है कि आज रात अपने रूम में ही रहना, तुम्हें जो भी आवाज सुनाई दे, चीखने की, चिल्लाने की, कुछ भी सुनाई दे, तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। यह कार्डिनल की प्लानिंग थी कि एक बार बसोला एंटोनियो को मार दे तो फिर ये कार्डिनल बसोला को भी मार देगा। अब बसोला चुपके से महल में एंटर कर जाता है, ये कार्डिनल की सारी प्लानिंग सुन लेता है। वहीं दोस्तों ये एंटोनियो भी आ जाता है इस उम्मीद में कि वो ये झगड़ा सुलझा देगा, ये डचेस के भाइयों से जाकर के बात करेगा। लेकिन दोस्तों अंधेरे में गलती से बसोला एंटोनियो को ही मार देता है। एंटोनियो को मरते वक्त ये पता चलता है कि डचेस और उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया गया है। अब एंटोनियो ये सब सुन करके जीना नहीं चाहता, वो भी मर जाना चाहता है, और वो भी मर जाता है। अब दोस्तों बसोला का अंतिम लक्ष्य है कि वो कार्डिनल को मार दे। वो कार्डिनल को मारने के लिए ढूंढने आता है, वहां कार्डिनल चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसका दरबारी बाहर नहीं आता, क्योंकि उसी ने कहा था कि कोई आज रात को बाहर नहीं आएगा, कितना भी तुम्हें चिल्लाने की, चीखने की आवाज सुनाई दे। अब इस लड़ाई में बसोला दो बार कार्डिनल को घाव दे देता है। तभी दोस्तों फर्डिनेंड भी वहां पे आ जाता है और उन दोनों को डेविल समझ लेता है और उन पर हमला कर देता है। तब ये बसोला फर्डिनेंड को भी घाव दे देता है। फर्डिनेंड मरते हुए ये वर्ड्स कहता है कि हमारी डेथ का कारण हमारे खुद के कर्म है। तब बसोला और कार्डिनल ये दोनों भी मर जाते हैं। जब सबके सब मर जाते हैं तो दोस्तों ये एंटोनियो का दोस्त था ना डेलियो, ये एंटोनियो के सबसे बड़े बेटे के साथ वहां पे एंटर होता है, और अब ये डेलियो एंटोनियो के सबसे बड़े बेटे को बड़ा करेगा और यहां का ड्यूक बनाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है।